अंतागढ़ में रेलवे और भिलाई स्टील प्लांट प्रभावित किसानों ने रेल नहीं आने देने के आंदोलन की चेतावनी दी है और इसे लेकर विधायक अनूप नाग से गुहार लगाई है। अंतागढ़ से गुजरने वाली रेल से प्रभावित किसानों की जमीन साल 2008 में रेलवे और बीएसपी ने झूठे वादों और छल कपट से अधिग्रहण किया था। जमीन के बदले नौकरी और अच्छे दामों में जमीन का मुआवजा मिलने के झांसे में आकर किसानों ने अपनी जमीन सौंप दी थी, लेकिन आज तक इन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं 11 अगस्त को रेल के बोगियों का ट्रायल लिया गया, लेकिन प्रभावित किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं विधायक अनूप नाग ने प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की बात कही है। प्रत्येक प्रभावित किसान के एक परिवार को नौकरी देने का वादा था और उचित मुआवजा देने का था, लेकिन मुआवजा तो दिए पौने पौने गांव ने 35-36 हजार एकड़ में, और नौकरी अभी कुछ किसानों को मिला है, लगभग 300 किसानों को, बाकी किसान अभी भी बचे हैं। कि कई बार हम लोग कलेक्टर महोदय जी से मिलते आ रहे हैं, तो जब जब मिलते हैं ये करते हैं तो एक दो आदमी को हिस्ट्री में बुला लेते हैं या एक दो को नौकरी दे देते हैं, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात लाने के लिए आश्वस्त किया है और मैं बहुत शीघ्र मिलने वाला हूँ और हमारे प्रभावित किसानों की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी से के समक्ष रखूंगा, निवेदन करूंगा कि उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता इशाक खान फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इशाक, किसानों ने आंदोलन को लेकर क्या चेतावनी दी है? जी बुजुर्ग, मैं बताना चाहूंगा कि किसानों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, 38 दिन का आंदोलन किया था, रेल पटरी पर महाआंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके भाजपा के विधायक और सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जितने प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आज तक उनका कोई ना मुआवजा मिला ना किसी प्रकार की कोई नौकरी मिली। जी इशाक, लेकिन कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें मुआवजा मिला है लेकिन बहुत थोड़ा मिला है, तो ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें मुआवजा मिला है और कितने अभी शेष रह गए हैं? जी टोटल में 490 किसान प्रभावित थे इस तक जी, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, जो 2017 में आंदोलन किए थे और आज तक नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इशाक।